कांग्रेस ने रच दिया इतिहास। 11 जिलों में कांग्रेस ने बीजेपी को दी मात। जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही एक बार फिर एमपी में हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस पर बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्यों और जनपद पंचायत सदस्यों को अगवा करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने लगाए हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों से शिकायत आ रही है कि कांग्रेस हमारे जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों को अगवा कर रही है। बीजेपी सदस्यों को कई जगह जबरन उठाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी के बहुमत से कांग्रेस डरी हुई है, इसीलिए खरीद फरोख्त की राह पर है, लेकिन बीजेपी इसे लेकर सतर्क है। खंडवा से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां कांग्रेस के जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का दावा है कि उनके पक्ष में 4 निर्दलीय सदस्य आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इनसे सौदेबाजी ना कर पाए, इसके लिए इन निर्दलीय प्रत्याशियों को अज्ञातवास में भेज दिया गया है। वहीं बीजेपी भी दावा कर रही है कि उसके समर्थित उम्मीदवार को ही जीत मिलेगी। भाजपा भी लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों के संपर्क में बनी हुई है। बता दें कि 52 जिलों में 875 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान हुआ था। वहीं 313 जनपद के लिए 6771 सदस्यों पदों के लिए मतदान हुआ था। ताज़ा अपडेट के अनुसार 52 जिलों में से 30 जिलों पर बीजेपी और 11 जिलों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। वहीं बाकी जिलों में कांटे की टक्कर है। हालांकि बीजेपी ने 44 जिलों में बीजेपी को जीत मिलने का दावा किया था।